एल्विश यादव की जहरीली साजिश, जहरीली पार्टी एल्विश को पड़ी भारी, सिस्टम में रहने का अब खुद खा रहा जेल की हवा। जब उसका काफिला सड़कों से निकलता है तो सिस्टम हैंग हो जाता है, लाखों लोग जाम में फंस जाते हैं। उसके काफिले से सैकड़ों गाड़ियां और दोपहिया वाहन होते हैं। वह सोशल मीडिया पर सरेआम बोलता है, आज जयपुर में मीटअप है, आज गुरुग्राम में मीटअप है, आज यहाँ मीटअप है। वो नौजवानों से कहता है, भारी तादाद में मीटअप में पहुंचो, भाई को फुल्ली सपोर्ट करो, भले ही शहर का ट्रैफिक जाम हो जाए लेकिन दबदबे में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। देखा जाए तो उसके लाखों में फॉलोवर्स है इंस्टा में, यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लाखों के फैन फॉलोइंग। इतना इशारा देने के बाद तो अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। सही समझे, ये सारा इंट्रोडक्शन है यूट्यूबर एल्विश यादव का। वो एल्विश जो किसी न किसी कारण हमेशा विवादों में बने रहते हैं। बिग बॉस OTT2 विनर एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एल्विश पर रेव पार्टी में सांप के जहर की सप्लाई करने का आरोप है। और साथ ही यह भी बता दें कि नोएडा पुलिस ने पूरी तैयारी कर एल्विश यादव को पूछताछ के लिए रविवार को तलब किया गया। उसके आने पर भीड़ ना जुटे इसके लिए गोपनीय तौर पर सेक्टर 113 थाना एरिया के फार्म हाउस पर उसे बुलाया गया। इससे पहले पुलिस ने 7 नवंबर को भी उसे पूछताछ के लिए सेक्टर 20 थाने में रात को बुलाया था। उस समय करीब 3 घंटे की पूछताछ के बाद उसे जाने दिया और इसके बाद पुलिस पर हाथ नहीं डाला था। सूत्रों की माने तो इस बार पुलिस ने एल्विश को यह कहकर बुलाया था कि यह अंतिम पूछताछ है और तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। आधिकारिक तौर पर पुलिस का यह कहना है कि पूछताछ के लिए कुछ सवालों के संतोषजनक जवाब ना मिलने पर एल्विश को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं सूत्रों की माने तो पुलिस ने आसपास का माहौल देखा, उसके बाद एल्विश को मेडिकल कराने के लिए अस्पताल ले गए और वहीं से सीधा ले जाकर कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट ने जब न्यायिक हिरासत में भेजा तो पुलिस उसे जिला कारगर तक छोड़कर आई है और इस दौरान एल्विश यादव के चेहरे पर मायूसी भी दिखी और साथ ही साथ आंखों में आंसू। 2 नवंबर को जब सपेड़े पकड़े गए तब उसके पास से 9 सांप और 1 cc में 20 ml जहर बरामद हुआ था। यह केस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन समेत अन्य धाराओं में दर्ज हुआ था। कथित तौर पर शीशी में बरामद लिक्विड की सांपों का जहर होने की पुष्टि FSL जांच में हुई। इसकी रिपोर्ट फरवरी में आई थी और इसके बाद पुलिस ने इस केस में NGPS की धारा बढ़ाई। दूसरी तरफ पहले पकड़े गए सपेड़ों के रिमांड पर लेकर भी पुलिस ने पूछताछ की थी। अब देखा जाए तो एल्विश यादव जो है वो सोशल मीडिया पर काफी फेमस शख्सियत हैं और उनका अंदाज एकदम रौबदार है। उनके चाहने वाले उनके राव साहब कहते हैं। फेस हरियाणवी गीत राव साहब पर एल्विश की लाखों रील जो है सोशल मीडिया पर मौजूद है। एल्विश यादव एक सामान्य परिवार का लड़का था लेकिन आज वो सोशल मीडिया से प्रसिद्धि पाकर करोड़ों रुपए की गाड़ियों और साथ ही साथ घर में रहता है। सोशल मीडिया के जरिए वो सेलिब्रिटी बन गया लेकिन एल्विश का सोशल मीडिया पर जो कंटेंट है वो नई पीढ़ी को मारपीट और दबंगई के अलावा और कुछ नहीं सिखाता। एल्विश यादव का एक फेमस डायलॉग है जो युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। एल्विश यादव अपनी अधिकांश रील में यह कहता हुआ नजर आता है, रहना है तो सिस्टम के नीचे। यह सिस्टम एल्विश का है। एल्विश यादव दावा करता है कि उसकी ताकत युवा है और उसकी एक आवाज पर लाखों नौजवान सड़क पर उतर जाते हैं। बचपन से जवानी की दहलीज पर पहुंचे युवाओं का गुट बनाकर एल्विश यादव अपनी इमेज एक भाई के तौर पर समझता है। लेकिन आज एल्विश समझ गया होगा कि देश में कानून पुलिस प्रशासन से बड़ा कोई सिस्टम नहीं है। कानून के दायरे में रहकर ही लोकप्रियता जो है पाई जाए तभी फायदा है, वरना अंजाम आप सबके सामने है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1।